रूस के प्रेसिडेंट पुतिन का कद बढ़ा है, उनकी ताकत बढ़ी है। यूक्रेन में रूस के सैन्य ऑपरेशन के बाद लगे प्रतिबंधों के बावजूद पुतिन ने जबरदस्त वापसी की है। रूस के मित्र देश बढ़े हैं, उसका कारोबार, सैन्य हथियारों का प्रोडक्शन, और तो और रूस में पुतिन की लोकप्रियता में भी बंपर इजाफा हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन ने खुलकर यह कहना भी शुरू कर दिया है कि अमेरिका को उन्होंने पछाड़ दिया है। लेकिन पुतिन की बीमारी का रहस्य और उनकी ढलती उम्र क्या उनके सुपर पावर बनने की राह में रोड़ा है? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए क्रेमलिन द क्रीपी क्रेव्स। 18 जून 2022 इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम सेंट पीटर्सबर्ग रूस। वही हुआ, वही रुतबा, ना चेहरे पर शिकन ना कोई झिझक। यूक्रेन पर युद्ध थोपने की तोहमत को हवा में उड़ा चुके रूस के राष्ट्रपति। उन्होंने एक बार जब बोलना शुरू किया तो हर मुद्दे पर बोले। इकोनॉमिक फोरम के मंच पर खड़े प्रेसिडेंट ने एटम बम की बातें भी। व्लादिमीर पुतिन का यही स्टाइल, वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, अपने देश रूस की रक्षा का प्रण दोहराते। सेंट पीटर्सबर्ग में शनिवार को उन्होंने परमाणु युद्ध की धमकियों को हल्के में नहीं लेने की वार्निंग फिर दोहराई। एटम बम का नाम आखिर कहां से आता है? उनके स्वयं के बयानों से। कभी कभी गैर जिम्मेदार राजनेता कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो क्या हमें चुप रहना चाहिए? हम जवाब दे रहे हैं। जैसे ही हम जवाब देते हैं वो हमारे शब्दों को चुनते हैं और कहते हैं, देखो रूस हमें धमकी दे रहा है। हम किसी को धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन सभी को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है और हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए क्या उपयोग करेंगे। ये जग जाएगी मोस्ट पावरफुल लीडर का क्लियर कट ऑर्डर है, रूस एटम बम विस्फोट को रेडी है। इसलिए रूस को उकसाने की भूल महाविनाशकारी साबित हो सकती है। प्रेसिडेंट पुतिन परमाणु युद्ध के लिए पक्के तौर पर तैयार है, ये माइंडसेट 24 फरवरी की तारीख से दिख रहा है। परमाणु युद्ध में रूस को हराना नामुमकिन है। रूस के पास सबसे ज्यादा एटम बम भर ही नहीं है, सबसे आधुनिक मिसाइलें और एटम बम बरसाने वाले बॉम्बर भी पुतिन सेना रखती है। अगर एटमी युद्ध का हौसला सिर्फ हथियार रखने भर से ही रूस में नहीं आया है, यूक्रेन युद्ध के अब तक के नतीजों ने पुतिन को सर्वशक्तिमान लीडर बनाया है। युद्ध भले ही जारी हो लेकिन रूस विजेता के तौर पर उठा है। यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस का डोनबास के 95% हिस्से पर नियंत्रण माना जा रहा है। युद्ध से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। वहीं रूस को युद्ध काल में जबरदस्त मुनाफा हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन ने बैन का तोड़ निकाला, फॉर फ्रंट पर यूक्रेन की गुटबंदी तोड़ी, दर्जन भर से ज्यादा देशों से मिली यूक्रेन की मदद को भी बेअसर कर दिया। अब तक प्रेसिडेंट पुतिन मुनाफे में नजर आ रहे हैं। चीन और ईरान का साथ भी उन्हें खुलकर मिल रहा है। खाड़ी देशों में पुतिन की तरफ झुकाव साफ दिखा है। पुतिन की टीम दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। हालांकि उनके विश्व नायक बनने में एक बड़ी अड़चन है, उनके एटमी युद्ध की धमकियां भी उसी अड़चन की वजह से हल्के मिली जा रही है। ये अड़चन है पुतिन की रहस्यमयी बीमारी। बीते दिनों पुतिन के दो वीडियो वायरल हुए। पहला वीडियो बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ हाथ मिलाने के दौरान का था। वीडियो में लुकाशेंको का इंतजार कर रहे पुतिन के हाथ तेजी से कांप रहे थे। कपकपी रोकने के लिए उन्होंने अपने हाथ को सीने से लगाया था, लेकिन लुकाशेंको की तरफ जाते हुए वो लड़खड़ा गए थे। इससे पहले 12 मिनट के वीडियो में पुतिन रूसी रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु से मुलाकात के दौरान टेबल का एक कोना लगातार पकड़कर बैठे नजर आ रहे थे। इस दौरान उनके दाहिने हाथ का अंगूठा और पांव हिल रहा था, उनके चेहरे पर सूजन दिख रही थी, बोलते वक्त उनकी आवाज भी लड़खड़ा रही थी। इसके बाद दावा किया गया कि मॉस्को के सेंट्रल क्लिनिकल अस्पताल के सर्जन येवगेनी सेलिफानोव काला सागर तट पर स्थित पुतिन के महल में 35 बार मिलने गए। सेलिफानोव थायराइड कैंसर के विशेषज्ञ हैं। फिर रूसी राष्ट्रपति के करीबी अमीर कारोबारी ने उनके ब्लड कैंसर की बीमारी का दावा किया। इतना ही नहीं, पुतिन को पार्किंसन का बीमार भी बताया गया। पुतिन जल्द 70 की उम्र पार कर जाएंगे, इस लिहाज से भी उनके बहुत ज्यादा दिन तक रूस की सत्ता में बने रहने का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में उन्हें भविष्य का विश्व नायक मानने वाले बहुत कम लोग हैं। वहीं रूस विरोधी गुट पुतिन को तानाशाह साबित करने के लिए सभी तरकीब आजमा रहे हैं ताकि रूस में ही उनके खिलाफ मोर्चा खुले। इतना ही नहीं, पुतिन के मुकाबले में एक ऐसा लीडर भी है जिसके नाम पर उनके मुल्क में कोई असहमति नहीं।